हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमओएस क्लासेस। आज हम सेवेंथ क्लास मैथ एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के फिफ्थ से लेकर सेवेंथ पार्ट तक सोल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म इफ पॉसिबल। इस क्वेश्चन में जितने भी पार्ट्स हमें गिवन है स्टूडेंट्स, उनमें जो भी नंबर हमें गिवन है, हमें उनको मल्टीप्लाई करके दिखाना है और उन्हें लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस करके भी दिखाना है। यानी अगर वो कट सकते हैं नंबर्स, तो उन्हें काट के भी दिखाना है। फिफ्थ पार्ट में हमें दिया गया है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 15/8। इस क्वेश्चन को हमने आपको दो मेथड से सोल्व करके दिखाया स्टूडेंट्स। हमें कैसे पता चलेगा ये क्वेश्चन दो मेथड से सोल्व हो सकता है? देखिए, यहाँ पर न्यूमरेटर में 15 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है। ये 15 और 3 आपस में सॉल्व हो सकते हैं, ये कट सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सोल्व किया जा सके, काटा जा सके, तो यहाँ आपके पास दो मेथड होते हैं इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने के। एक मेथड तो ये है कि पहले आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लें और उसके बाद जो आंसर आता है उसको काट लें। दूसरा मेथड ये होता है कि कटिंग आप पहले कर लें और उसके बाद न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करें। अब फर्स्ट मेथड देखते हैं स्टूडेंट्स। हमें क्वेश्चन में गिवन है 1/3 मल्टीप्लाई बाय 15/8। तो हम पहले न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 × 15, 15 होता है, तो यहां पर न्यूमरेटर में 15 आ गया, डिनोमिनेटर में यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, 3 × 8 = 24 होता है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 24 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, 15 और 24 ये दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं, तो ये दोनों ही 3 से काटे जा सकते हैं। तो देखिए, 3 × 5 = 15 एंड 3 × 8 = 24। तो हमें फाइनली क्या आंसर मिल गया? 5/8। तो फिफ्थ पार्ट का जो हमारा फाइनल आंसर है स्टूडेंट्स, वो है 5/8। अब इसी क्वेश्चन को सोल्व करने का हम दूसरा मेथड देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 1/3 मल्टीप्लाई बाय 15/8। अब देखिए, यहाँ न्यूमरेटर में 15 है और यहाँ डिनोमिनेटर में 3 है। ये 15 और 3 आपस में कट सकते हैं, 3 × 1 = 3 एंड 3 × 5 = 15। अब यहाँ पर न्यूमरेटर में 1 है, यहाँ न्यूमरेटर में 5 है, तो 1 × 5 = 5 होता है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में 5 आ गया, यहाँ डिनोमिनेटर में 1 है, यहाँ डिनोमिनेटर में 8 है, तो 1 × 8 = 8 होता है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 8 आ गया। अब देखिए, दोनों ही मेथड से हमारा आंसर क्या आया? 5/8 यहाँ भी आया, यहाँ पर भी 5/8 आया। तो जो मेथड आप यूज करना चाहते हैं वो आप इसमें से यूज कर सकते हैं। अब हम सिक्स्थ पार्ट करेंगे। सिक्स्थ पार्ट में हमें गिवन है 11/2 मल्टीप्लाई बाय 3/10। सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज यहां पर लिख लिया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, तो 11 × 3 = 33 होता है, तो यहाँ न्यूमरेटर में 33 आ गया। फिर डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, 2 × 10 = 20 होता है, तो यहाँ डिनोमिनेटर में 20 आ गया। अब हमारा आंसर तो यहाँ पर आ चुका है, लेकिन ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि यहाँ डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है। तो आप इस क्वेश्चन को अगर चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके भी दिखा सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ 33 को डिवाइड करेंगे 20 से। 20 × 1 = 20, 33 में से 20 माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 13। अब जैसे ही ये रिमाइंडर इस डिवाइजर से छोटा हो गया है, तो अब आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करके दिखा सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है 1, ये यहाँ पर आएगा, ये रिमाइंडर 13 यहाँ पर आएगा, अपॉन में ये डिवाइजर 20 आएगा। तो सिक्स्थ पार्ट का हमारा फाइनल आंसर आ गया है 1:13/20। अब हम सेवेंथ पार्ट करेंगे। सेवेंथ पार्ट में हमें गिवन है 4/5 मल्टीप्लाई बाय 12/7। सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने इस क्वेश्चन को एज इट इज यहाँ पर लिख लिया है। अब हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ न्यूमरेटर में 4 है, यहाँ न्यूमरेटर में 12 है, 4 × 12 = 48 होता है, तो यहाँ न्यूमरेटर में 48 आ गया। डिनोमिनेटर में यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, 5 × 7 = 35 होता है, यहाँ पर डिनोमिनेटर में 35 आ गया। अब हमारा आंसर तो यहां पर आ ही चुका है स्टूडेंट्स, लेकिन ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा है। तो यहां पर हम इसको चेंज करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो 48 को डिवाइड करेंगे 35 से, 35 × 1 = 35, 48 में से 35 को माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 13।
अब जैसे ही ये रिमाइंडर इस डिवाइजर से छोटा हुआ, अब हम इसको चेंज कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो यहाँ पर ये जो क्वोशेंट है वन, सबसे पहले क्वोशेंट वन आएगा, फिर ये रिमाइंडर 13 यहाँ पर आएगा, अपॉन में ये डिवाइजर 35 आएगा। तो सेवेंथ पार्ट का हमारा फाइनल आंसर है 1:13 अपॉन 35। आई होप स्टूडेंट्स आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।